सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज की ताजा खबर के हिसाब से भैया नया अपडेट निकल के आता है एप्पल की तरफ से कि एप्पल ने अपना भैया फेमस और जिसका लोग कर रहे थे बेसब्री से इंतजार एयर पावर जो मैट है उसको कैंसिल कर दिया है फाइनली डिले 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 होने के बाद में। तो क्या है कुछ पूरी कहानी आज आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ना अगर हमसे बात करता हूँ एयर पावर की, अगर आपको नहीं मालूम है तो भाई ये दोस्तों एक ऐसा था प्रोडक्ट एप्पल की तरफ से जिसको एप्पल ने दिखाया था लॉन्च इवेंट में 2017 में जब आईफोन 10 मार्केट में आया था। और उसके बाद दोस्तों कॉन्सेप्ट ये था कि भाई देखो अभी है आईफोन में वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट, जहाँ पर दोस्तों आईफोन 10, आईफोन 8 और 8 प्लस मार्केट में आए थे, तो हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी चीज़, एक ऐसा डिवाइस जिसके बाद में आप बड़े आराम से वायरलेसली चार्ज कर पाएंगे अपने आईफोन को, अपनी एप्पल वॉच को, अपने एयरपॉड्स के साथ में। और कहा यह गया था कि यह चीज 2018 तक मार्केट में आ जाएगी। अब वैसे दोस्तों वायरलेस चार्जिंग कोई नई चीज नहीं है, पता नहीं पिछले कितने कितने सालों से आपको बाकी डिवाइसेस देखने को मिलती है। अब हाँ एप्पल की आंख खुली 2017 में वायरलेस चार्जिंग को लेके, लेकिन यहां पर दोस्तों कॉन्सेप्ट था ना एयर पावर का वो कुछ ऐसा था कि यार देखो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपके फोन में वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है, लेट्स दोस्तों यहां पर अगर आप अपना फोन जो है वो रखते हैं एक किसी चार्जिंग पैड पे, तो आपको जो अलाइनमेंट है ना वो कई बार परफेक्ट करना पड़ता है, थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे खिसक गया इसका मतलब भैया चार्जिंग होने रही है, फिर मतलब एक ना हेडेक सा होता है कि मतलब आपको प्रॉपरली ऐसे रखना है ऐसे रखना है जो भी है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एयर पावर में आइडिया ये था कि भाई आपके पास में एक सरफेस है, आप बस अपना डिवाइस छोड़ दो वहाँ पे रख के भूल जाओ, आपने अपनी एप्पल वॉच एयरपॉड्स और फोन को किसी भी तरीके से किसी भी कोने में आपने साइड में ऐसा वैसा घुमा के रख दिया और चार्जिंग हो जाएगी बड़े आराम से। और यहाँ पर दोस्तों जानते ही हम कि अगर कोई एप्पल प्रोडक्ट लेके आता है तो वो काइंड ऑफ पॉलिश्ड होता है बहुत बार, जहाँ पे सीमलेस आपको मिलता है एक्सपीरियंस। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सीन ये था कि भाई आपने अपना आईफोन रखा एयर पावर मैट पे, उसके बाद में आपको वहीं पे दिख जाएगा भैया आपके जो जो है बाकी डिवाइस उनकी बैटरी लेवल क्या चल रहे हैं। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था, लोगों ने किया वेट उस टाइम पे, भैया एप्पल ने कहा है कि चीज़ आएगी तो लोग दोस्तों लग गए इंतजार में कि हाँ जब एप्पल लेके आएगा इसको तब हम वायरलेस से चार्ज कर लेंगे। डिले होता गया 2018 भी आ गया, उसमें एप्पल के बहुत सारे इवेंट हुए उस साल वो भी कंप्लीट हो गए, बस कुछ एक दो हमको नई फोटो देखने को मिलती रही लेकिन दोस्तों डिवाइस कभी आया नहीं और इसके बारे में एप्पल ने कभी बात भी नहीं करी। और फाइनली अभी जब एप्पल ने एयरपॉड्स 2 को अनवील किया तो मतलब लग रहा था भाई कि अब तो टाइम आ गया है, एयरपॉड्स 2 आ गए हैं वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट कर, तो अब तो एटलीस्ट आएगा एयर पावर, लेकिन नहीं अब भी नहीं आया। और मज़े की बात यहाँ पर दोस्तों जो एप्पल एयरपॉड्स का जो वायरलेस चार्जिंग वाला वेरियंट है उस पर आपको पीछे की तरफ उस एयर पावर मैट की फोटो दिखती है उसके बॉक्स के ऊपर कि भाई आप जो है वो अपने एयरपॉड्स को जो वायरलेस चार्जिंग के साथ में आते हैं उनको बड़े आराम से एयर पावर के साथ में जो है वो यूज़ कर पाएंगे, नाम लिखा है वहाँ पे एयर पावर का। और उसके बाद एप्पल कहता है कि सॉरी हमसे ये नहीं हो पाया। अब दोस्तों अभी सोचने की बात यह है कि क्या वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि एप्पल उसको कर नहीं पाया, बिकॉज दोस्तों बाकी तो बहुत सारे ब्रांड्स आपको देते ही हैं। इनफैक्ट ऐसे दोस्तों बड़ी वाली मैट्स भी आती हैं जहाँ पे आप मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ रख के चार्ज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एप्पल का कॉन्सेप्ट कुछ अलग था। भाई देखो दोस्तों स्टैंड अप से बात करता हूँ, अगर एक सिंगल पैड की उसमें एक कॉइल होती है आपके चार्जर में, दूसरी कॉइल है आपके फ़ोन में, फ़ोन उस कॉइल के साथ में अपना अलाइन किया थोड़ा सा, उसके बाद दोस्तों पावर को आप वायरलेसली ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों एप्पल का आइडिया था कि करीब 20 से 30 छोटी छोटी दोस्तों अलग 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 बहुत सारी कॉइल्स पूरी फैली होने वाली हैं उस पूरी एयर पावर मैट में, जिसके चलते आप कहीं पे भी कैसे भी रख दो छोड़ दो और ऐसे में आपका डिवाइस चार्ज रहेगा। लेकिन उन कॉइल से प्रॉब्लम क्या कॉइल्स को बनाना इतना मुश्किल है? नहीं दोस्तों, यहाँ पे कॉइल्स को बनाना मुश्किल नहीं है, प्रॉब्लम है हीट की। यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि जो लॉसेज हैं वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट होते हैं, और ऐसे में दोस्तों अगर दो तीन कॉइल्स भी हैं किसी चार्जर में, यहाँ पे अपने दो तीन अलग अलग डिवाइस को रख लिया वो मैनेजेबल होता है, लेकिन अगर आप बात करते हैं 20 से 25 से 30 अलग अलग कॉइल्स की, तो यहाँ पे हीट का था मेन इशू। जो पहले की दोस्तों रिपोर्ट्स थी वो भी ये कह रही थी कि यार हीट एक मेन कंसर्न है, इसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं हम, मतलब नया नया कुछ सोच रहे हैं कि ऐसे करें या वैसे करें। फाइनली मालूम चलता है कि यार जो हीट है वो हमारे बस में नहीं है उसको कंट्रोल करना, इसीलिए कैंसिल कर दिया एयर पावर मैट को। तो क्या ये इतनी बड़ी बात है? नहीं यार, एक बेसिक सा वायरलेस चार्जर था जिसको एप्पल ने जो है वो मतलब किया कि हम लेके आएंगे मार्केट में, बाद में नहीं लेके आ पाया, सिर्फ इतना सा इशू है। लेकिन मेन कंसर्न ये है कि यहाँ पे उन्होंने उसको लेके इतनी हाइप बिल्टअप कर दी, लोग जो है उसका वेट कर रहे हैं। आप जानते हो एप्पल का मार्केट कैसा होता है, एक चीज़ अनाउंस करते हैं उसके बाद में जब तक वो लॉन्च ना हो तब तक वो
हाइप कंटिन्यू रहती है। फाइनली जब एयरपॉड्स का वर्जन आता है वायरलेस चार्जिंग वाला, तो लोग कन्फर्म सोच लेते हैं कि हाँ मतलब अब तो आ ही जाएगा, क्योंकि आपको बॉक्स के ऊपर उसकी फोटो भी दिख रही है। और अभी एप्पल बोलता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। हाँ भाई, अच्छी बात है कि आप जो है वो मतलब उसको मार्केट में ना ही लेके आए, क्या पता वो मार्केट में आ जाता जल्दबाजी में और उस टाइम पे लोग वाले प्रॉब्लम्स फेस करते। शुक्र है कि यहाँ पे ये सीन नहीं है। लेकिन मार्केट में ऑलरेडी दोस्तों बहुत सारे तरह तरह के डिवाइसेज हैं ऐसे जहाँ पे आप मल्टीपल डिवाइसेज के साथ वायरलेस चार्ज कर सकते हैं। हाँ, आपको वो कन्वीनियंस नहीं मिलेगी जो बताई गई थी एयर पावर के लिए, जहाँ पे आपने कैसे भी रखा कभी भी रखा, आपको थोड़ा समझदारी के साथ भी भैया करना पड़ेगा वायरलेसली चार्ज अपने डिवाइसेज को। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये है कि एप्पल ने कहा कि हम ऐसा करेंगे और ऑलमोस्ट 2017 से 2019 अभी आ गया और अब कहते हैं कि ये तो नहीं हो सकत। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आगे चलकर मैं तो उस चीज़ का वेट कर रहा हूँ जहाँ पे कम्प्लीटली ट्रूली वायरलेस भैया हो जाए इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे दोस्तों हमारे पास में भैया ये फ़ोन है, मेरे रूम में एक डिवाइस है जहाँ से यहाँ तक ताकत आती जा रही है। तो मतलब वो होगा असली फ्यूचर। देखते हैं वो काम एप्पल पहले करता है या कोई और ब्रांड, और वो चीज़ हम कब यूज़ कर पाते हैं। बाकी अगर आप मुझे बताइए कि क्या आपके लिए वायरलेस चार्जिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए एयर पावर इतना इंपॉर्टेंट डिवाइस था, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपका क्या है फीडबैक। तो दोस्तों बस फिलहाल इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।